काफ़ी लोग अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना चाहते हैं पर वो डरते हैं कि जैसे ओल्ड लोग हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो चाहते हैं कि बचपन में हमारी जो हॉबी थी पेंटिंग की थी, मैं लिखा करता था, पोइम या स्टोरी लिखा करता, लिखने का नॉवेल्स लिखने का शौक़ था मुझे, या गाने का शौक़ था, म्यूज़िक का शौक़ था, इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ था, अब मुझे टाइम, मेरे पास टाइम ही टाइम है, पर अब क्या मैं कर पाऊँगा उसको, ये पूछते हैं। या पेरेंट्स पूछते हैं कि उनके बच्चों का शौक़ है गिटार बजाना, डांस सीखना, जूडो कराटे करना, और वो क्या सीख जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बहुत कमज़ोर है, क्या वो झेल पाएगा, क्या उसमें हिम्मत नहीं है इतनी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि वो रेकी के अंदर आ गया है, तो रेकी के अंदर इतने सिंबल्स हैं, इतने अच्छे सिंबल्स हैं कि रेकी खुद उनको अपने पास खींच के लाएगी। अगर आपने करुणा रेकी का कोर्स किया हुआ है या आप जानते हैं तो अपने बच्चों को दें, और बुज़ुर्गों को दें आप, अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं करुणा रेकी तो दें। उसमें एक नोज़ा है, सिंबल है नोज़ा, नोज़ा भी बोलते हैं, नोज़ा भी बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा सिंबल है। अगर किसी को कोई भी हॉबी डेवलप करनी है, अगर बचपन में उन्होंने की हुई है, ये सीखा हुआ है, नहीं भी सीखा हुआ है, उनका दिमाग में है मुझे सीखना है ड्रम यहाँ सीखना है यार, मुझे बुढ़ापे तो क्या हुआ, मुझे गाना सीखना है यार, मुझे बहुत मन में है मेरे, तो उसमें नोज़ा वो खुद सीख लो, करुणा जी की खुद सीख लो, या किसी को बोलो, हीलर को बोलो, वो उनके अंदर करुणा जी की का अटेंडमेंट दे देंगे और सिखा देंगे सिंबल डालना। तो क्या करो, सबसे पहले सिर के ऊपर नोज़ा सिंबल को डालो, अपने पाँचों उंगली से लेकर के कोड बना करके नोज़ा सिंबल को उसमें डालो, और उसके बाद जो है उसको ऐसे ध्यान दो कि वो नीचे आ रहा है। उसके अलावा नोज़ा सिंबल मुंह के सामने डालो, तीन बार बोलो, एक बार बना करके नोज़ा नोज़ा नोज़ा, और बना करके लंबी सांस लो, मतलब नोज़ा के सारे जो हैं हवाएं आपके अंदर आ रही हैं, उसकी जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है उसको फील करो, लेकिन फील करो कि आहा, ऊपर आपने डाला, ऊपर से नीचे तक वो गया, सांस से अंदर आया, पूरे शरीर में फैल गया, हार्ट के अंदर आ गया, आप खुद फील करोगे और इससे भरा हुआ है हार्ट, वाओ बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। उसके बाद बस शुरू कर दो, कुछ नहीं करना उसके बाद आपको, उसके बाद में जिसको लिखने का शौक है पेन पेंसिल लो, नोज़ा काम करने का, आपको लगेगा अरे तो बचपन में लिखा करता था, ये स्टोरी तो मेरे मैंने सुनी हुई है, जो मैं गाना लिखना चाहता हूँ उसकी धुन, जो अगर म्यूज़िक में बजाना चाहते हैं, अपना लिरिक्स लिखना चाहते हैं गाना, उसको आपका खुद का लिखा हुआ गाना उनको संगीतमय बनाना है विद इंस्ट्रूमेंट करना है, तो वो उसमें जो है नोटेशन डाल करके उसकी खुद बना सकते हैं, उनको लगता है फैमिलियर हो जाएंगे वो नोज़ा, उसका काम क्या है नोज़ा का, जो भी हॉबी आप डेवलप करना चाहते हैं उससे वो बिल्कुल फ्रेंडली बन जाता है, उसके गुण आपके अंदर डाल देता है वो, जो छोटे बच्चे हैं जूडो कराटे हैं वो आराम से करेंगे, डिशों 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 अपना, अरे आ गया सब कुछ आ गया, पहली ही क्लास में वो इतना सीख जाएंगे क्योंकि नोज़ा उनके साथ है। तो नोज़ा चिन्ह डालो, दुनिया के कोई भी हॉबी से डेवलप कर सकते हो डाल करके, सिर्फ अगर आपने नोज़ा का आपने अटेंडमेंट भी लिया है, करुणा रेकी का अटेंडमेंट भी लिया है, उसके अंदर नोज़ा बहुत ज़रूरी है, वो होना ही है, लिया है नोज़ा को बुलाओ, उसका यूज़ करो, उसका अपने हथेली में डालो, सबसे आसान मैं बताती हूँ, अगर आपने अटेंडमेंट लिया है तो हथेली में उसको नोज़ा को ये ड्रॉ कर लो, दाएँ में भी और बाएँ में भी है, उसके बाद उसको स्थिर कर लो, तीन बार ऐसे करोगे इसका मतलब आपकी हथेली में आ गया, तीन बार पुष्पक बोलो ऐसे भी करोगे तब भी वो अंदर चला गया, हथेली में आ गया, उसके बाद वो कमाल दिखाएगा, लिखना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, जूडो कराटे करना है, कुछ भी करना है, वो नोज़ा आपके साथ ऐसे काम करेगा, खेल कूद में मजा आ, आप सेकंड भी आओगे करके, तो देखो इसका मार के देखो, हमने हज़ार बार आजमाया है, तुरंत काम करता है, करिए आप और आगे बढ़िए, बस यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए।